अब इस पार्ट को मैं यहाँ लगाऊंगा, तो उसकी थोड़ी एडजस्टमेंट करता हूँ, थोड़ा शेप वगैरह अच्छा करता हूँ, इसे राउंड बनाऊंगा और उसके बाद इसे लगाऊंगा। तो गाइज ये तो आप देख चुके थे, मैंने इसके अंदर दूसरी मोटर लगा दी थी और इस मोटर के अंदर हमने थोड़ी सी जुगाड़ की थी, इसका रॉड चेंज किया था। रॉड मुझे इस लंबाई का मिल नहीं रहा था, तो हमें एक स्पेशल टाइप का ट्यूब मिला था जो कि हेलीकॉप्टर के अंदर होता है। तो इसका लगाने का जो प्रोसेस है वो मैंने वीडियो में नहीं बनाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। अगर आपको इस तरीके की लंबी शाफ्ट वाली मोटर मिले तो इट इज़ सिंपल। तो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है और मैंने इसे टेस्टिंग कर ली है, आप लोगों को भी टेस्ट कराऊंगा। अब ये वाला जो पार्ट है हम ये इसके अंदर यहाँ सुपर ग्लू कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा फ़ैन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी सारे होल्स नज़र आ रहे हैं। एक होल मैंने यहाँ किया है, एक इस तरीके का पार्ट बनाया है। तो यहाँ एक होल किया, एक पीवीसी पाइप की शीट लेकर उसके अंदर यहाँ पर होल किया है, पीछे से एक स्क्रू हमने सुपर ग्लू कर दिया है और ये रॉड लगाई है इसके अंदर कट करके, आप देख सकते हैं। तो पूरा कस्टम डिज़ाइन है और ये यहाँ पर इस तरीके से इसके अंदर चला जाता है। आर्म हमने इसका डिज़ाइन किया है, बहुत सारे डिज़ाइन करने के बाद ये फाइनल हुआ है। इसके अंदर ये ऑलमोस्ट लेफ़्ट टू राइट तकरीबन बराबर डिस्टेंस पर हो रहा है, तो इसे हम लोगों ने यहाँ लगाना है। तो ये इस तरीके से इसके अंदर लग गया और उसके बाद हमारे पास ये एक नट है, ये इसके ऊपर टाइट हो जाएगा और इस नट को टाइट करने के लिए हम छोटा सा ब्रेंच यूज़ कर लेंगे, हमारे पास रखा है। अच्छा, इसे ज़्यादा टाइट नहीं करना क्योंकि गियर्स के ऊपर लोड आएगा। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं हमने काफ़ी सारे होल किए, ये और ये वाला होल तो पहले से था, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। ये एक होल किया, फिर ये होल किया, फिर ये होल किया, इनके डिस्टेंस में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा पहले है, उसके बाद ये है और उससे आगे ये है, तो सबसे बेस्ट ये वाला है सेंटर। तो इसके अंदर ये आर्म को हम स्क्रू कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइट हमने नहीं किया इसके अंदर, तो अब ये बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए हमारे पास डीसी 12 वोल्ट अडाप्टर है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके की वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर लें। अब मैं आपको नीचे का दिखा देता हूं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से ये काम कर रहा है। वो हमारा पुल स्विच, जिसको हम यूं करके पुल करेंगे, बेसिकली पूरा पुल नहीं करेंगे, तो इसकी ऑसिलेशन रुक जाएगी। आप देख सकते हैं ये रुक गया है, और जैसे ही हम इसे अंदर की तरफ करेंगे ये अंदर हो गया और ये मूवमेंट इसकी शुरू हो गई। तो इसे चलाने के लिए और रोकने के लिए किसी स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसके अंदर ये मैकेनिकल स्विच होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्विच नहीं होगा। इसे यूं हम रिमूव कर देंगे और ये ऑसिलेशन इसकी रुक जाएगी। तो सारा इसके पीछे आइडिया यही था, एक मोटर को यूज़ करते हुए हमने बनाना है ऑसिलेशन, लेफ़्ट एंड राइट मूव होने वाला सिस्टम फ़ैन का, और तो और कोई इलेक्ट्रिक स्विच यूज़ नहीं होगा उसे रोकने के लिए और चलाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक मोटर यूज़ हो रही है तो क्यों दूसरी मोटर लगाई जाए। स्पीकर के बॉक्स में से हम स्पीकर को निकाल लेंगे और इसके अंदर इसे लगाने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं कि ये कैसा बनता है। इसके अंदर तकरीबन सही आ रहा है, तो
आपने टेम्परेरीली इसके अंदर लगाई थी। Thank you.
गाइस वायरिंग देखने काफी इजी है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पॉजिटिव वायरिंग का जो पॉजिटिव है आप देख सकते हैं, ये जा रहा है सीधे रेगुलेटर के अंदर, यहाँ से बाहर आएगा रेसिस्टर के अंदर से होते हुए फैन में जाएगा। जब हम इस सेलेक्टर इसके ऊपर रखेंगे तो रेसिस्टर से होते हुए जाएगा, इसके ऊपर रखेंगे तो डायरेक्ट चला जाएगा। देखिए स्पीड नंबर 2 पे फैन डायरेक्ट चलेगा, पॉजिटिव डायरेक्ट फैन की तरफ चला जाएगा, स्पीड नंबर 1 पे रेसिस्टर से होता हुआ जाएगा और नेगेटिव जो है डायरेक्टली फैन में जा रहा है। तो सिंपल वायरिंग है गाइस, इसमें हल्की हल्की सुपर ग्लू लगा के हम इसे बंद कर देंगे। काफ़ी अच्छी लग रही है जाली, और इसकी जो जाली है ये भी हमने रिमूवेबल बनाई है, जब भी हमें निकालनी है क्लीनिंग करनी है तो हम कर सकेंगे। तो अब इसकी टेस्टिंग की तरफ चल लेते हैं। तो गाइज एक चीज़ भूल गया था मैं, इसके अंदर होल्स करना सामने की तरफ ताकि यहाँ से हवा खींच सके फैन, यहाँ से आने वाली हवा पीछे जो हमने जाली लगाई थी यहाँ से आएगी और मोटर को ठंडा रखेगी। तो मोटर के सराउंडिंग्स में होल ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो रेगुलेटर था वो ब्लू था, पसंद नहीं आ रहा था मुझे, ब्लैक स्प्रे पेंट कर दिया है। तो गाइस फाइनली फैन हमारा रेडी हो चुका है, इसे टेस्टिंग कर लेते हैं। सप्लाई हमने 12 वोल्ट कर दिया इसके अंदर, और अब इसे ऑन करके देखते हैं कि कैसा चल रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है और हवा भी इसकी काफ़ी तेज़ है।